अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैनबी टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये स्टीरियो है एक मेरे पास सैमसंग का, इसमें डीवीडी प्लेयर और इसमें जो पुरानी कैसेटें होती थी वो भी इसमें है, इसमें एफएम रेडियो वगैरह है। तो ये इसमें साउंड नहीं आ रही, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें यूएसबी वगैरह, अगर आप कार्ड डालना चाहें तो कार्ड भी इसमें लग सकता है, यूएसबी भी लगती है, ऑडियो वीडियो इसमें दोनों हैं। आप डीवीडी लगा के आप ऑडियो देख वीडियो भी देख सकते हैं इसमें। तो इसमें ये इसकी पावर है, ये मैंने पावर ऑन कर दिया, ठीक है, तो ये अभी ऑन हो चुका है, तो इसका रेडियो चला रहा है। लेकिन इसकी ये इसका डीवीडी का ऑप्शन है, ये इसका ट्यूनर है रेडियो के लिए, ये इसकी टेप है, ये अगर आपने यूएसबी और मेमोरी कार्ड इसमें अगर डाला है, अगर उसकी साउंड चाहिए तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ये है उसके लिए। तो ये ट्यूनर है, ये रेडियो का है, तो ये अभी इसकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई साउंड किसी किस्म का कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट जो है वो, क्योंकि या तो जो स्पीकर है ऑडियो आईसी ख़राब हो सकता है, अगर ऑडियो आईसी ख़राब नहीं है तो फिर जो इसकी पावर है, पावर सप्लाई है, हो सकता है वो ऑडियो आईसी को वोल्ट ना मिल रहे हों, ठीक है, सम टाइम वो कैपेसिटर वीक हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर पावर सप्लाई में कुछ फॉल्ट है तो फिर भी ये आपकी जो ऑडियो है वो आउट नहीं होगी, ठीक है। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसमें फॉल्ट क्या है, ये सैमसंग का, ये भी ऑडियो यहाँ पे भी चार पॉइंट ऑडियो के हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसकी वीडियो वीडियो आउटपुट है, तो ये इसकी ऑडियो आउटपुट है, ठीक है, ये इसका एफएम के लिए रेडियो के लिए ये इसका एंटीना है यहाँ। तो सैमसंग का बहुत अच्छा सेट है, ये इसका अंदर सारा अंदर से भी रिमूव करना पड़ेगा इसको,
इसका, ये इसका बोर्ड है जो पावर सप्लाई का बोर्ड है। कार्ड जो है इसका ये नीचे लगा हुआ है, तो ये स्पीकर का आईसी है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑडियो आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसकी कॉइलें हैं साथ में, ये कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें नज़र तो ये पावर सप्लाई में है फॉल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका पावर सप्लाई बोर्ड, तो पावर सप्लाई में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसका कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। कैपेसिटर इसका ख़राब है, वीक है, जिसकी वजह से इस ऑडियो इसकी नहीं है, आउट नहीं हो रही, ठीक है। बाकी ये ऑन होता है, ठीक है, इसमें डीवीडी भी चलता है, एफएम वगैरह सारा कुछ चलता है, लेकिन इसकी ऑडियो आउट नहीं हो रही, तो ये फॉल्ट इस कैपेसिटर का है, ठीक है। तो अभी हम ये कैपेसिटर चेंज करेंगे। इसका बोर्ड, ये 3300 UF और 10 वोल्ट का कैपेसिटर है लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। हो सकता है इसका ऑडियो आईसी भी खराब हो। तो बहरहाल सबसे पहले जो फॉल्ट है मैं नज़र आया पहले, वो तो दूर करें इसका, वो तो बात का मसला है ऑडियो का, एसी का, ठीक है। ये हम नया लगा के चेक करेंगे वहाँ पे वोल्ट, ठीक है। अगर ऑडियो हमारी नहीं मिलती तो फिर वोल्ट चेक करेंगे, अगर वोल्ट मिल रहे हैं तो फिर ऑडियो एसी का फॉल्ट, अगर नहीं तो फिर इसी कैपेसिटर का ख़राब है, ठीक है, फॉल्ट है, ठीक है। ये 3310 वोल्ट, इसकी जगह ये मैं ऐड करने लगा हूँ 16 वोल्ट का। इसकी जगह पे ये ऐड करेंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव देख के आप लगा लें। अब हम इसको दोबारा से ऐड करते हैं। तो जी मैंने दोबारा से बोर्ड ऐड कर दिया इसका, पावर बोर्ड ये ऐड कर दिया। अब हम इसको पावर दे के चेक कर लेते हैं, ठीक है।
देखते हैं अब इसमें क्या रिज़ल्ट आता है।